ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की है, जहां अकबरपुर के बाराजोड़ की दरगाह पर आतंकी संगठन PFI को प्रतिबंधित करने वाली सूफी खान कहा संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जियारत अली हक्कानी मलंग ने एक अलग और अनोखी पहल कर पूरे देश में एक मिसाल पेश की है। दरअसल इस तस्वीर में साफ तौर से देखा जा सकता है कि दरगाह में चढ़ाई जाने वाली चादर में भगवान श्री राम का झंडा लगाकर उसे बनाया गया है। वहीं मुस्लिम वर्ग के दरगाह पर चढ़ने वाली चादर में भगवान श्री राम का झंडा लगाकर तैयार किया गया है और हाथों में लेकर ये पदाधिकारी पूरे देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि न्यायालय के फैसले का वह पूरे तरीके से समर्थन करते हैं। जो विवाद लंबे समय से हिंदू और मुस्लिम में चल रहा था, वह विवाद अब खत्म होता नजर आ रहा है और मुस्लिम संगठन भी राम मंदिर के निर्माण और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन से खुश है। वहीं इस पूरे मामले में संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जियारत अली मलंग ने बताया कि उनकी तरफ से चढ़ाया जा रहा दरगाह की चादर में भगवान श्री राम का चिन्ह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से अयोध्या भेजने की तैयारी है और उनकी तरफ से ये प्रयास देश में मुस्लिम संगठनों की तरफ से फैलाई जा रही भ्रामक बातों का खंडन करता है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कहना है कि वह और उनका संगठन ये चाहता है कि अगर उन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान निमंत्रण भेजा जाएगा तो वह उस कार्यक्रम में अपने संगठन के साथ पहुंचकर शिरकत करेंगे। मेरा सूफी शाह सैयद जियारत अली मलंग हक्कानी, वाइस प्रेसिडेंट सूफी खानकाह एसोसिएशन। ये पूरा मामला ये है कि हमारे जब एक सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा दायर था और जिसके चलते जब मुसलमानों द्वारा ये बात रखी गई कि एक अराजकता का माहौल कायम हो रहा था, उस वक्त मुसलमानों ने आगे बढ़कर और सभी ने बढ़कर ये फैसला लिया कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उसका सभी सम्मान करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और राम मंदिर के हक में फैसला चला गया तो मुसलमानों ने दोनों हाथ पसार कर उस फैसले का सम्मान किया। मैं तो ये चाहता हूं कि उस वक्त जब शिलान्यास हुई थी राम मंदिर का, तब पर भी मुसलमान एक था और आज भी मैं ये चाहता हूं कि और सूफी खान का एसोसिएशन की जानिब से मैं ये आप तक संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं ये उनकी आस्था है और सभी के इस देश में आस्था का सम्मान है। हम पूरे मुल्क हिंदुस्तान के धर्म गुरुओं से, मुस्लिम स्कॉलरों से भी ये निवेदन करेंगे कि देश की अखंडता और एकता के लिए वो भी मैदान पर निकल कर आए और जो हमारा नया राष्ट्र निर्माण है इसमें वो भी योगदान दें, जिससे हिंदू मुस्लिम कौमी एकता बरकरार रहे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। तो इसी तरीके से हम लोग देश के लिए, हर राष्ट्र कार्य के लिए हम लोग आगे